अब हम वशिष्ठ आश्रम पहुंचने वाले थे। आश्रम का मुख्य द्वार हमें दिखने लगा था। बस कुछ ही पलों में हम वशिष्ठ मुनि के आश्रम के बाहर थे। अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमय जगह पर जिसे वशिष्ठ मुनि के गुफा के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर है हमारे बाएं साइड में, जो बाद में मंदिर बनाया गया है। पहले ये यहीं पे, इस जगह पे वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी। वहाँ का शांत वातावरण रूह को सुकून देने वाला था। बरगद का ये बूढ़ा वृक्ष साक्षी है उन स्मृतियों का, जिनमें मुनि वशिष्ठ की तपस्या की ऊर्जा है। एकांत में साधना का मर्म भला इस वट वृक्ष के अलावा कौन जान सकता है। जिसकी जटाओं पर सांसारिक सुखों की कामनाओं के धागे और चुनरिया बंधी है, लेकिन ये वृक्ष बिना शिकायत समाधि में लीन खड़ा है। ठीक उसी तरह जैसे सदियों पहले गुरु वशिष्ठ यहाँ तपस्या और शोध के बाद मानव कल्याण के वो साधन छोड़ गए जो आज भी संसार उपयोग कर रहा है। मुझे याद आया कालिका पुराण का वो श्लोक जिसमें वशिष्ठ मुनि के आश्रम का वर्णन किया गया है। निमिनाम नास्तु राजर्षे शापाद ब्रह्मा सुतः पुरा वशिष्ठो हा शरीरो भूतक्षापाच निमिस्तथा ततो ब्रह्मोपदेशेन निर्जने काम रूप के संध्या चले तपस्ते पे तस्य विष्णुर भूतदा। कल कल छल छल बहता ये जल मुनि वशिष्ठ की ही देन है, जिसे वशिष्ठ गंगा कहा जाता है। ये गुप्त गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। जिसका स्रोत अथवा वशिष्ठ गंगा का ये पुण्य जल कहां से प्रवाहित हो रहा है आज तक कोई नहीं जान पाया है। जबकि कई शोधार्थी वैज्ञानिकों ने अब तक इस रहस्य को उजागर करने के लिए गहन प्रयोग करने में कोई कोताही नहीं बरती है, फिर भी ये रहस्य जस का तस बना हुआ है। आकर के देखा है सारे तरफ जंतु जानवर जंगल सब कुछ है, लेकिन आश्रम के लिए बहुत बढ़िया जगह, लेकिन जल नहीं। शास्त्रों और पुराणों में विधिवत कलम बंद किया गया है कि संध्यांचल पर्वत पर आदिकाल में जल नहीं था, लेकिन वशिष्ठ मुनि को सिद्धियों के सृजन के लिए जिस निर्जन और शांत प्रदेश की जरूरत थी उसके लिए ये जगह सबसे उपयुक्त थी। तब उन्होंने ही अपनी कठिन साधना के बल से असंभव को संभव बनाया था। शास्त्र में लिखा हुआ है ये जो बाहर में जो नदी देखा है ये नदी पहले नहीं, तब जल नहीं होने से भगवान का सहायता कैसे करेगा, इसीलिए वशिष्ठ महाराज जी भगवान शंकर जी को जल का लिए तपस्या किया। शंकर का शरीर में तो गंगा रहता है, तब भगवान शंकर संतुष्ट होकर के शंकर का शरीर से ये गंगा प्रवाहित हुआ। कहा जाता है कि तब वशिष्ठ मुनि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप महादेव ने सदानंद पर्वत पर गंगा की उत्पत्ति की, जो आज तक अनवरत यहाँ उपस्थित है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था और ये नाम इसे कामदेव को यहाँ दोबारा जीवन मिलने की वजह से ही पड़ा। आदिकाल से ही कामरूप नगर का जर्रा जर्रा तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध रहा है।
शायद तभी वशिष्ठ मुनि भी भटकते भटकते आखिरकार काम रूप ही पहुंचे। आखिर इस धरती में ऐसी क्या बात है? पश्चिम बंगाल में वीरभूम में तारापीठ था, तो तारापीठ में तारामंत्र जप किया, फिर लास्ट यहाँ कामरूप में आ गया। अभी तो असम है, पहले कामरूप था। आकर के पहले कामाख्या माता का दर्शन किया, फिर लास्ट ये जगह को आ गया। तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए ज्योतिष और वास्तु ज्ञान उतना ही जरूरी माना जाता है जितना रूह के लिए जिस्म जरूरी है। वरना कठिन से कठिन साधना के बाद भी जरूरी नहीं कि सिद्धियां मिले। जिस तरह मानव शरीर में मस्तिष्क का स्थान सर्वोपरि है, उसी तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्वोत्तर दिशा सिद्धियों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ईशान भाग है ये पूरे भारत का, तो यहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र की अगर वो पूषण सिद्धि करते हैं तो वो फलीभूत होती है। प्रमाण बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि के अयोध्या से कामरूप नगर साधना के लिए पहुँचने के पीछे यही वजह थी कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति की। ज्योतिष की गणना, जो ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान है, ज्योतिर्विज्ञान का एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। यह संगम है ज्योतिष और वास्तु विज्ञान का। यूं तो मंदिर का निर्माण नवीन ही है, फिर भी स्तर ये है, इसमें कोई शक नहीं। कला की दृष्टि से भी वहाँ मुझे कई बेहतरीन उदाहरण मिले। भगवत गीता को वेद व्यास के साथ कलम बंद करते गणेश जी हों, या फिर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते सारथी भगवान कृष्ण, सब कुछ शिल्प के उन्नत उदाहरण हैं। आश्रम को दर्शनीय बनाने के लिए कई नए निर्माण किए गए हैं, जो उस जगह को और भी मनोरम बनाते हैं, जिसमें एक झूले वाला पुल भी है, जिसकी वजह से वहां अक्सर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। जिन्हें साधना सिद्धि तंत्र मंत्र से कोई सरोकार नहीं, वो भी वहां केवल उस वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। वहां आए एक परिवार से हमने बात की। सुकून मिलता है, थोड़ा शांति मिल जाता है, तो बैठ के दो तीन घंटा पास कर चला जाता है, फिर बाबा का भी दर्शन हो जाता है। हमने कामाख्या शक्ति पीठ की तरह वहाँ भी कुछ काले बकरों को आराम फरमाते देखा, जो बेफिक्री के साथ अपने आप में मग्न थे। वशिष्ठ मुनि का प्राचीन साधना स्थल अभी भी वैसा ही है जैसा उनके वक्त में था, और अब हम उसी रहस्यमयी जगह की तरफ जाने वाले थे। अभी एक छोटा सा अंतराल, लेकिन बाकी है रहस्यमयी दुनिया का हाल। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522309-3500। उम्मी खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्विकली। रिफ्रेशिंग मिनी गम आजली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। A much proper diet, breakfast, lunch.
बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। जब आदमी समाजवादी पार्टी के शासन से उबता है, त्रस्त होता है, तो उसकी निगाह जाती है बहुजन समाज पार्टी की ओर। जब मायावती जी के राजकाज से उबता है तो फिर उसको साइकिल याद आती है। लेकिन आंखों में रहते यही दो लोग हैं। दोनों पार्टीज ये मैसेज देने में कामयाब हैं कि अगर आप इसे हटाएंगे तो हम ही सरकार बना सकते। उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, गाजीपुर से गाजियाबाद तक एक प्रतिनिधि चेहरा शायद इस बिरादरी में कांग्रेस अभी तक इमर्ज नहीं कर पाया। कभी कोई मुसलमान मुसलमानों का लीडर नहीं रहा। राशिद अलवी एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों का लीडर दूसरे लोग रहे। मैं नाम भी लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में मोदी का असर कितना और कहाँ तक दिखता है? मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई बहुत असर उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी के साथ देखिए ये विशेष बातचीत रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं अघोर तंत्र की रहस्यमयी दुनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वहां जाने वाले थे जहां सदियों पहले मुनि वशिष्ठ ने उन शक्तियों को साधा था जो इस धरती के किसी और हिस्से पर नहीं सिद्ध हो पाई थी। भगवान उमानंद की तरह ही वहां भी हमने देखा कि गर्भगृह जमीन की सतह से नीचे एक कुएनुमा जगह पर था। कैमरे के साथ वहां जाने से हमें रोक दिया गया और जब हमने इस रहस्य को समझने की कोशिश की तो एक खास बात पता चली, वो ये कि कामरूप के सभी सिद्ध स्थलों का मूल स्वरूप गुप्त ही रखे गए हैं और क्योंकि वो पूरा नगर आदिशक्ति महामाया माँ कामाख्या की महामुद्रा के अधीन माना गया है, इसलिए उस नगर के सब पौराणिक या प्राचीन स्थलों के गर्भगृह गुप्त रखे गए हैं। किसी भी धार्मिक स्थल के गुप्त स्थानों या मुद्राओं के चित्र लेने की मनाही है और उन्हीं गुप्त रहस्यों की तरह एक रहस्य यह जलप्रपात भी है जिसका स्रोत अभी तक कोई पता नहीं कर पाया है। ये जो झरना है, जो पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, इसके बारे में अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये पानी का स्रोत कहाँ से आता है। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ के तप के प्रभाव से ही यहाँ तीन धाराएं, गंगा के तीन स्वरूप संध्या, ललिता और कांता के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। ये गंगा का त्रिधारा था, संध्या, ललिता और कांता। गंगा तो एक ही, भागीरथी आवाहन क्या भागीरथी गंगा, गंगा सरस्वती जमुना और वशिष्ठ आवाहन क्या ये वशिष्ठ गंगा। यह स्थान तीनों धाराओं का संगम है और इसी पुण्य धारा में स्नान और इसी पवित्र जल के पान से मुनि देव को अपना पहले जैसा शरीर प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि वशिष्ठ मुनि इसी त्रिधारा के गंगा जल में त्रिसंध्या करते थे, इसी वजह से इस पवित्र जल में संसारिक लोग स्नान कर परम शांति का अनुभव करते हैं। वशिष्ठ गंगा में स्नान के बाद एक मंत्र के उच्चारण की परंपरा है जिसके बोल हैं, संध्या चल समुद्भूते वशिष्ठे नावातारिते कुरुक्षेत्रे मम स्नानम् गंगा गर्भ नमोस्तुते। और उस तीर्थ का प्रणाम मंत्र कुछ इस प्रकार है, नमस्ते तीर्थ राजेंद्रे नमस्ते लोकपालिके नमस्ते गिरिसंभूते तीर्थेश्वरी नमोस्तुते।
वशिष्ठ मुनि की उस तपस्थली को प्रणाम करके हम